मारुति अर्टिगा हाइब्रिड की माइलेज डिटेल आ गई सामने। 1 लीटर में इतने केएम दौड़ेगी, लेने से पहले जरूर जान ले। मारुति सुजुकी अपने हाइब्रिड मॉडल के पोर्टफोलियो को बढ़ाने में लगी हुई है। कंपनी ने अब देश की नंबर एक और अपनी पॉपुलर 7 सीटर कार अर्टिगा को हाइब्रिड मॉडल ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। मारुति सुजुकी अपने हाइब्रिड मॉडल के पोर्टफोलियो को बढ़ाने में लगी हुई है। कंपनी ने अब देश की नंबर एक और अपनी पॉपुलर 7 सीटर कार अर्टिगा को हाइब्रिड मॉडल ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले इसकी बिक्री इंडोनेशियाई मार्केट में की जाएगी। यहां के मार्केट के लिए इसे अर्टिगा क्रूज हाइब्रिड नाम दिया गया है। इस एमपीवी में अब एक स्पोर्टियर एक्सटीरियर और एक बड़ा बैटरी पैक शामिल किया गया है, जो मौजूदा पेट्रोल इंजन के साथ मिलकर काम करेगा। इस वजह से इसका माइलेज भी बेहतर हो गया है। 4 किलोमीटर एल माइलेज बढ़ जाएगा। अर्टिगा हाइब्रिड को नए 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ जोड़ा गया है। इस इंजन का पावर आउटपुट 103 भप और टॉर्क 137 न्यूटन मीटर है। साथ ही इसमें 10 आवर बैटरी पैक दिया है। आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर और बेहतर माइलेज से लैस इस बैटरी पर 8 साल की वारंटी भी मिल रही है। हाइब्रिड होने से अर्टिगा का माइलेज भी बेहतर हो गया है। अभी इसके पेट्रोल मॉडल का माइलेज 20 से 21 किलोमीटर तक है, जबकि हाइब्रिड मॉडल का माइलेज 24.20 किलोमीटर एल तक होगा, यानी अब 4 किलोमीटर एल से ज्यादा का माइलेज बढ़ जाएगा। अर्टिगा के सीएनजी मॉडल का माइलेज 26.11 किलोमीटर एल है। अर्टिगा हाइब्रिड के फीचर्स, सुजुकी ने नई अर्टिगा क्रूज हाइब्रिड को लुक के हिसाब से भी बेहतर बनाया है। इसका एंटीना पहले से छोटा हो गया है। अगले हिस्से में स्पोर्टी बम्पर दिया गया है। इसके अलावा अंडर स्पॉइलर, साइड बॉडी डिकल्स, पिछले हिस्से में अपर स्पॉइलर और स्पोर्टी बम्पर के साथ अंडर स्पॉइलर दिए गए हैं। इस एमपीवी को देखते ही आप जान जाएंगे कि इसे LSD DRLS मिले हैं, जो सामान्य मॉडल में नहीं मिलते। इस कार में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 8 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सेकंड रो में भी आर्मरेस्ट दिया है। भारत में जल्द होगी एंट्री। अर्टिगा हाइब्रिड को जल्द भारतीय बाजार में भी लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद है कि इस मॉडल में इंजन में किसी तरह के चेंजेस नहीं किए जाएंगे। हालांकि इसके एक्सटीरियर में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इस हाइब्रिड एमपीवी की कीमत 15.30 लाख रुपए है, लेकिन भारत में इसकी कीमत कम हो सकती है। भारतीय मार्केट के लिए कंपनी के कार लाइनअप में इसकी जगह XL6 और स्टैंडर्ड अर्टिगा के बीच की होगी। मारुति सुजुकी अर्टिगा एमपीवी फीचर्स। फीचर्स के तौर पर इस कार में आपको 7 इंच स्मार्ट प्ले प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑनबोर्ड वॉइस असिस्टेंट, सुजुकी कनेक्ट, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, सीट बैक रिक्लाइनर और फ्लैट फोल्ड ऑप्शन, क्रूज कंट्रोल, ड्राइवर साइड ऑटो विंडो के साथ 50:50 स्प्लिट 3 रो की सीटों से इसे लेस किया गया है। वही इसके CNG वेरियंट में एंटी पिंच, फॉलो मी होम फंक्शनलिटी के साथ ऑटो हेडलैम्प, रिट्रेक्टेबल की ऑपरेटेड ORVM और CNG स्पेसिफिक स्पीड मीटर जैसे कई आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी अर्टिगा MPV इंजन। अर्टिगा और XL6 को पावर देने के लिए इसमें एक नया 1.5 लीटर के 5C डुअल जेट पेट्रोल मोटर मिलता है, जो 115 PS की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। ये मौजूदा के 1.5B मोटर की जगह लेगा। आपको बता दें, नई मोटर पुराने इंजन की तुलना में लगभग 10 PS अधिक पावर देने में सक्षम है। इस कार के माइलेज की बात करें तो MT के लिए नई अर्टिगा का माइलेज 20.51 किलोमीटर/लीटर, अर्टिगा AT के लिए 20.3 किलोमीटर/लीटर और अर्टिगा CNG का 26.11 किलोमीटर/घंटा है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।